गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथ जीपीएस फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हम आपको लेसन नंबर 6 ट्रांस जो कल पढ़ाया था आधा हो गया, तो उसके आगे आप रीड करिए पेज नंबर 47 पर सबसे लास्ट पैराग्राफ। अक्सर हम पाश्चात्य देशों को एक नज़र से देखते हैं और उन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका दो अलग कंट्री तो हैं, लेकिन उनकी संस्कृत, रहने का ढंग, खाने का तरीका, सोचने का ढंग, उनकी आदतें, उनके विचार, सब कुछ ही काफ़ी अलग हैं। जबकि वे सभी एक ही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। फ्रेंच समाज परिवार से काफ़ी जुड़ा होता है, बच्चों पर उनके अभिभावक हर तरह से ध्यान देते हैं, उनके शिक्षण पर खर्च करते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने के तक बच्चे अपने माँ पिता के साथ ही रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वे उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। बड़े कभी भी बच्चों के निर्णय के आड़े नहीं आते और अपने विचारों पर नहीं लाते, ना ही कभी कोई ऐसी अपेक्षा करते। उनका नाता दिए की तरह होता है, एक दिए दूसरे दिए को जलाता है। बच्चे साधारणतः 22 साल की उम्र में अपना घोंसला अलग बनाने में लग जाते हैं। संयुक्त परिवार की पद्धति नहीं, लेकिन संबंधियों ग्रहण और संबंधों की गर्माहट बनी रहती है। आमतौर पर विद्यालय के समय स्थापित दोस्ती मध्य दम तक टिकी रहती है। यहाँ आप यदि पड़ोसी या काम या नौकरी से संबंधित जगहों पर सालों तक किसी से मिलते रहे तो ये भी संबंध घर तक नहीं आते। जान पहचान की कड़ी दोस्ती में बदलते हमने कम ही देखा है। कहते हैं पेरिस कभी सोता नहीं, यह सच है। रात के किसी भी प्रहर यहाँ सड़कों पर लोग आते जाते दिखाई देते हैं। हमें सबसे अचरज इस बात का हुआ कि लड़कियां और महिलाएं देर रात तक बिना डर के या झिझक के अकेले घूम फिर सकती हैं। उन्हें किसी तरह के खतरे या छेड़छाड़ का मामला नहीं का सामना नहीं करना पड़ता। इसका कारण या तो आप शासन प्रशासन कहिए या फिर सामाजिक गठन। फ्रांस और भारत के अच्छे संबंध हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन फ्रेंच लोगों का भारत और भारतीय लोगों के प्रति जो प्रेम और आदर है और हमारी संस्कृत और आचार विचार रहन सहन के बारे में जो एक अनोखा कुतूहल है वह बयान नहीं किया जा सकता। हमारा इतिहास, धर्म, हमारी संस्कृत, हमारी कला उन्हें आकर्षित करती है। यहाँ आकर भारतीय होने के फायदे हमें समझ में आने लगे। धीरे धीरे हम यहाँ सामान्य जीवन जीने लगे और बदलने भी लगे। पहले हमारे हर विषय में अपने मत बने हुए थे, अटल थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जाहिर करना और लोगों पर लादने का प्रयास लगातार करते थे। लेकिन अब हर विषय का दोनों तरफ से विचार करना, उन्हें तौलना, दूसरों के विचारों को गंभीरता से सोचना, परखना, बोलने से पहले सुनना, ये सारी बातें हमारी आदतों में डल गई हैं। विचारों में सरलता, उदारता अपने आप आ गई है। पता नहीं ये भी शायद फ्रेंच प्रभाव है। चीज और युद्ध की प्रेमी इस भूमि ने अपने देश में सारे विश्व का इतिहास आई उड़ेल दिया है। हमने यहाँ किताबों की दुकानों में पंडित की कथाओं का अनुवाद देखा है। ये देश अपने कला कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंच लोग स्वभाव से आराम तलबी और मौजी होते हैं। उनका देह साल भर की कमाई एक महीने की छुट्टियों के आनंद में उड़ा देना होता है। कभी देश भ्रमण को जाना तो कभी अपने दक्षिण स्थित आवास में जाकर चयन करना, बेहतरीन खाना और मित्र कुटुंब के साथ घूमना, मछली मारना, खेल कूद, राजनीति, ज्ञानार्जन, किताबें पढ़ना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन हैं। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर फ्रांस अपने बाहर या खेल खेल नहीं देखता। फ्रांस का विश्व फ्रांस से शुरू होकर फ्रांस पर ही खत्म होता है। ये स्पेशलिस्ट राष्ट्र की है और यहाँ की प्राय उद्योग व्यवस्था सरकारी है। यहाँ गैर सरकारीकरण की बात चले तो हड़ताल उसका अच्छा जवाब देती है। हड़ताल और बंद से फ्रांस का बहुत करीब ही नाता है। हर रोज नगर पालिका हड़ताल की एक सूची जारी करती है जिससे नागरिकों को असुविधा से निपटने का साधन को निकालने में सुविधा हो और साथ ही उनकी सहनशीलता भी बढ़े। हमने फ्रांस का चप्पा चप्पा छाना, फ्रांस की हर रुत में हर कोने के सौंदर्य को नजदीक से देखा। उनके फूलों से आच्छादित बाग, बगीचे, पुराने घर, 12वीं शताब्दी के चर्च और इमारतें, उसे उनके रास्ते, गलियां, घर, बाजार आज भी वैसे ही हैं जैसे तब थे। अचानक लगा हमें किसी ने भूतकाल में ला छोड़ा हो। इस पुरानी इमारतों, संग्रहालयों की देखभाल सरकार बड़े यत्न से करती है। रास्तों पर कहीं गंदगी या तोड़फोड़ के ऐसा नहीं
पीछे हुए। हर महत्वपूर्ण जगह पर स्पोर्ट्स लाइट्स और अखबारों की सजावटों का वैभव जागने की तरह बढ़ता नजर आता है। फ्रेंच समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परंपरा से इतना जुड़ा हुआ है कि हर नागरिक उसे सजोने में हाथ बढ़ाता है। फ्रेंच लोगों को अपने देश पर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने उत्थान पर गर्व है। क्यों न हो भला, उन्होंने अपने पूर्वजों की शान को शान से सजाए सवारी रखते हुए आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर तथा अपनी नींव बनाए रखकर अपना झंडा ऊंचाइयों पर गाड़ा है और हमें भी गर्व का अर्थ समझा दिया है। ठीक है, इसके आगे भी गले पाएंगे। ओके।